नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। अवकाश पर आए एक सहायक निरीक्षक सैन्य अधिकारी उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सैन्य अधिकारी के निधन की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों ने मृतक को सैन्य सलामी दी। मृतक के पैतृक गाँव के निकट सैनिक का दाह संस्कार कर दिया गया। रेहड़ थाना क्षेत्र के गाँव हरकिशनपुर निवासी सोनू कश्यप, उम्र 37 वर्ष, पुत्र रामकेश सिंह, केंद्रीय सुरक्षा बल में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर मध्य प्रदेश के नीमच में तैनात थे। परिजनों के अनुसार सैनिक सोनू कश्यप 1 माह पूर्व अवकाश पर घर आए हुए थे। गत 22 सितंबर को सैनिक सोनू कश्यप अवकाश की अवधि बढ़ाने के लिए जसपुर उत्तराखंड से बाइक से देर शाम वापस लौट रहे थे। इसी दौरान नादेही शुगर मिल जसपुर के नजदीक बाइक और ट्रैक्टर टिप्लर की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार सैनिक सोनू कश्यप गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को आनन-फानन में निजी चिकित्सालय में जसपुर में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने हालत नाजुक बताते हुए रेफर कर दिया। काशीपुर, मुरादाबाद सहित दिल्ली में घायल सैनिक का उपचार कराया गया, जहां दिल्ली के अस्पताल में उपचार के दौरान घायल सैनिक की मृत्यु हो गई। सैनिक के निधन की खबर मिलने से गांव में शोक की लहर दौड़ गई, वहीं घर में कोहराम मच गया। सैनिक का पार्थिव शरीर घर पहुंचने पर सैनिक की एक झलक पाने को भीड़ उमड़ पड़ी। गांव के नजदीक फीका नदी घाट पर मृतक के भाई रोहित कश्यप के द्वारा मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। सैनिक अपने पीछे अपनी पत्नी नीलम देवी, पुत्री कुमारी अनुष्का 10 वर्ष, कुमारी दीपांशी 4 वर्ष व पुत्र अक्षित 11 माह को बिलखता छोड़ गया। सैनिक का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता संगम चौहान की एक खास रिपोर्ट। सर, आपका नाम और पदनाम? सर, मेरा नाम इंस्पेक्टर रणवीर सिंह है। सर, ये जो दुखद घटना हुई है, सर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ये छुट्टी पर आया हुआ था जवान साहब, और छुट्टी पर आया हुआ था, बाइक से किसी काम से बाजार गया और बाइक से और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। बाइक के साथ में इसकी ट्रॉली के साथ में इसकी बाइक लग गई। सर, ये इनका नाम क्या था और ये कब छुट्टी पे आए थे और कहाँ ये सर इस समय वर्तमान में तैनात थे? ये इस समय नीमच में तैनात थे, मध्य प्रदेश में, और नाम नाम इनके सोनू सिंह था। ASIM मंत्रालय के मिनिस्ट्री स्टाफ के ये कार्यरत थे CRPF में। तो सर, ये कब से छुट्टी पे आए हुए थे? ये आया दो सप्ताह पहले, हो एक 10 दिन तो एडमिट हो गए, 2 सप्ताह पहले छुट्टी आए थे। छुट्टी बढ़वाने के लिए इन्होंने दिया था, लेकिन ये बाइक इनकी एक्सीडेंट हो गई, इस वजह से काफ़ी इलाज के लिए भी इनको दूर दिल्ली तक ले जाया गया, लेकिन नहीं बच पाए। दिवाली की शुभ शुरुआत कीजिए सुपर टैग के इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ। नो पोल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस, खर्चा 20 रुपये प्रति किलोमीटर, 3 साल की बैटरी वारंटी के साथ। दिवाली पर टीचर, स्टूडेंट, डिलीवरी बॉय, लॉयर व गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए स्पेशल डिस्काउंट, साथ ही 5000 किलोमीटर तक 3 फ्री सर्विस, 5000 का फ्री गिफ्ट, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, नो कास्ट, नो EMI। मौके का फ़ायदा उठाए, जल्दी आए जल्दी पाए। पता राज ऑटोमोबाइल, अदब सिटी, माला नदी के पास, नजीबाबाद। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।